हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्राउट्स पुलाव, जो बनाने में बहुत ही आसान है। सर्दियों की सीज़न चल रही है तो उस टाइम पे आप इस तरीके से हेल्दी रेसिपी बना के खाइए, और बहुत ही कम टाइम में और कम समय में ये कढ़ाई में बनने वाला स्प्राउट्स पुलाव बन के रेडी हो जाता है बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और कलरिंग दिखने वाली वेजिटेबल्स के साथ। तो चलिए बनाते हैं इस यमी रेसिपी को। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं। चावल मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी लिए हैं, जिसे मैंने पानी में भिगो के रखा है अच्छे तरीके से धो के। आधे घंटे के लिए हमें चावल को पानी में भिगो के रखना है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच हम घी डालेंगे, और इसी के साथ हम डालेंगे इसके अंदर ये सारे खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पे अखा धनिया लिया है, जो मैंने थोड़ा सा लिया है, आधी चम्मच से भी कम। दो हरी इलायची, 2 लवंग और इसी के साथ दालचीनी ली है। अब हरी इलायची को हम इस तरीके से तोड़ के इसके अंदर डालेंगे, जिससे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन सूखे मसालों को अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे भून लेना है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है छोटे से तेज पत्ते 3, और अदरक लहसुन मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 चम्मच। तो यहाँ पे अदरक लहसुन मैंने फ्रेशली अच्छे तरीके से इसे बारीक दरदरा कूट लिया है। तो इस तरीके से हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। और यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ली है, जो तीखी है, तो इसके अंदर हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे, तीखी मिर्च ही डालेंगे, हरी मिर्च। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है 1 प्याज, जिसे मैंने लंबा काट लिया है। अब प्याज को हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे भून लेना है। तो इस तरीके से आप हम डालेंगे अब इसमें जीरा। जीरा मैं पहले डालने भूल गई थी तो अभी डाल रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और प्याज को हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से गुलाबी होने तक फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर डालेंगे हम मटर, ये फ्रोज़न मटर नहीं है, तो 1/2 कटोरी मटर और 1 कटोरी भर के मैं इसके अंदर स्प्राउट्स डालूंगी। और ये मैंने यहाँ पे बीन्स लिए हैं, जो मैंने 1/2 कटोरी डाला है। और इन सारी सामग्री को हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और बहुत कम टाइम में बनने वाली ये पुलाव की रेसिपी है, और एकदम हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर सारी हमने हेल्दी चीज़ें डाली है और तेल भी हमने बहुत कम यूज़ किया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 कटा हुआ टमाटर, और ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला है गरम मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये पुलाव पूरा व्हाइट और ग्रीन दिखता है, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और कढ़ाई में इसमें इसको बनाने से इसके एक एक चावल इसमें अच्छे तरीके से खिल के आएंगे। अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे वेजिटेबल्स को भून लेना है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साक्षी रेसिपी में और भी बहुत सारी वीडियोस हैं रेसिपीज़ की, तो आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे हमारे ये सारे मसाले भून चुके हैं वेजिटेबल्स के साथ। अब इसके अंदर डालेंगे हम ये चावल, जो हमने 1/2 घंटे के लिए भिगो के रखे थे। तो चावल के अंदर का पानी मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कटोरी चावल। चावल को भिगोने से वो बहुत जल्दी पक जाते हैं और इसके साथ खिले खिले भी बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए थे, तो इसे अच्छे तरीके से हम हल्के हाथों से हमें इसे ऊपर नीचे कर लेना है सब्जी के अंदर चावल को। अब इसके अंदर हम गर्म पानी डालेंगे, ताकि हमारा यहाँ पे पुलाव का ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से आप हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है, तो चावल की जितनी मात्रा हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें यहाँ पे पानी लिया है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी चावल लिया है, तो इसके अंदर मैंने 2.5 कटोरी पानी डाला है। तो इस तरीके से हमें हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है इन सारी सामग्री को। और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे एकदम कम रखनी है, कम आंच पे हमें अब इस पुलाव को अच्छे तरीके से पकाना है। पर इसके अंदर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को हमें अच्छे तरीके इसमें मसल के डालना है, और इसी के साथ चावल खिले खिले बने इसलिए मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 कटा हुआ नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चावल हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से खिलेंगे भी और जल्दी से
इसमें अच्छा सा टेस्ट भी आएगा पुलाव में। अब ऊपर से हम एक चम्मच घी डालेंगे। इस तरीके से हम इसको अभी ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए कम आंच पे, एकदम कम आंच पे हमें इसको ढक के रखना है। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने पुलाव को ठंडा करने के लिए 5 मिनट के लिए ढक्कन उसका ढक के रखा था। अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा पुलाव कितना बढ़िया बना है और चावल भी कितने खिले खिले लगते हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बच्चे स्प्राउट्स या वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो उस टाइम पे आप उनको इस तरीके से इस पुलाव, हेल्दी पुलाव को बना के खिलाइए। बच्चे और बड़े हर किसी को ये पसंद आएगी रेसिपी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही यमी और टेस्टी हेल्दी बनने वाला पुलाव, ग्रीन वेज स्प्राउट्स पुलाव बन के रेडी हो चुका है, वो भी कढ़ाई में मात्र 15 मिनट में बन के रेडी होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।